नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के समाजसेवी जीवन जादव ने आज अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता किया। मीडिया के द्वारा उनसे कई तरह के सवाल किए गए, जिसको लेकर के बखूबी अच्छे तरीके से उन्होंने सवाल का जवाब दिया। और इसी क्रम में जीवन जादव से पूछा भी गया कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया। वहीं उनसे सवाल किए गए कि पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन जीवित थे तो सभी लोग उनका ही नाम जप करके राजनीति करते थे, अब क्या होगा, अब उन लोगों की राजनीति कैसे होगी, या फिर सिवान का मुद्दा क्या होगा, क्योंकि उनका नाम लेकर के बहुत सारे लोग यहाँ पे राजनीति भी किए। तो उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर यह कहा कि अब वो नहीं रहे, इसलिए मुद्दा वो नहीं रहेंगे लोग, अब विकास मुद्दा होगा, जो काम अच्छा करेगा उसी को लेकर के लोग जो है इस बार सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि अब नए चेहरे की तलाश है, जनता चाह रही है नया चेहरा। तो जीवन जादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था आज अपने कार्यालय पर, और इस दौरान ये तमाम तरह की बातों को मीडिया के सामने इन्होंने रखने का काम किया। आइए सीधे ले चलते और सुनते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं। लाइव के चंदन कुमार सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। इसको पसंद करते हैं उसके साथ। जीवन जी, इस बार का चुनाव कुछ खास होगा, क्योंकि इस बार सिवान के पूर्व सांसद जो मोहम्मद शहाबुद्दीन है उन पर केंद्रित होती थी यहाँ की राजनीति है, या फिर बिहार के भी यूं कहें, वो इस बार नहीं रहेंगे। और क्या आपको लग रहा है कि जो लोग नाम लेकर के, हम किसी का नाम नहीं रखेंगे, जो लोग नाम लेकर के राजनीति आज तक करते थे, अब क्या होगा, किस तरह की राजनीति होगी, आखिर किस मुद्दे पर राजनीति होगी, क्योंकि शहाबुद्दीन तो अब। बहुत अच्छा सवाल है आपका। अब एक मुद्दा वो भी थे, सही बात है, पूरे सिवान के जनता जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एक मुद्दा थे वो, उनके विरोध में राजनीति करो, वोट मांगो। अब मुद्दा है काम। जैसे अब हम कहेंगे कि हम सिवान को, जैसे हम स्लोगन दिए थे कि नगर परिषद को बनाएंगे हम गोरखपुर, हम कार्य में है, ऐसा कुछ नहीं है, एक भी हम लोग उद्घाटन नहीं किए, इसका मतलब काम नहीं है। 53 से ऊपर काम हो चुका है, रोड नाला का शिलान्यास नहीं हो रहा है, उद्घाटन नहीं हो रहा है, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि हम बैठे हुए हैं। जो हर वार्ड में 4 गो 5 गो 6 गो काम चल रहा है, दिख रहा है काम, बस मीडिया में नहीं आ रहा है। जिस दिन आएगा मीडिया में, उस दिन सब जनता को दिख जाएगा कि हमारा काम कितना है। परिषद का काम मीडिया में तो नहीं आज भी मोहम्मद शहाबुद्दीन मुद्दा रहेंगे, उनका परिवार मुद्दा रहेगा। नहीं नहीं, अब मुद्दा शहाबुद्दीन साहब निधन हो गया तो वो मुद्दा ही खत्म हो गया। देखिए, पॉलिटिक्स में जो मेन मुद्दा होता है वो शहाबुद्दीन साहब थे, तो उन खत्म हो गए, माने निधन हो गया उनका, उनकी मौत हो गई, तो अब वो मुद्दा खत्म हो गया। अब मुद्दा सिवान का हम आगे ही बता रहे हैं, कब बनेगा, कब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अब लंबा लंबा फेंका जाएगा, जिसको बोलते हैं ना जुमलेबाजी, होगा कुछ नहीं। आम जनता सिवान की त्रस्त है, सिवान के नेतृत्व में, सिवान के नेतृत्व के लिए नए चेहरे के तलाश है जनता को, जिसमें हम भी एक जनता है, आप भी एक जनता है, सबको पता है कि नया चेहरा चाहिए। भगवान तो सिवान जिसके तकदीर ललाट पे लिखा हो वो आएगा। सिवान की जनता नए चेहरे की आप बोल रहे हैं तो क्यों विश्वास करें, उन्होंने एक बार ओम प्रकाश यादव को 2-2 बार देख लिया, फिर उसके बाद से वर्तमान जो है उनको भी देख लिया, तो फिर नया चेहरा क्यों, और क्यों विश्वास करे जनता? बता रहे क्यों, मान लीजिए कि आप एक साबुन खरीद के लाते हैं, ठीक है, आप लगाते हैं, अच्छा नहीं होता, उस साबुन से आपको रिएक्शन हो गया, तो जाहिर सी बात है कि आप दूसरा साबुन तो खरीदिएगा कि बिना साबुन के नहा लीजिएगा। उसी तरह जनता नए चेहरे की मांग कर रही है, नया चेहरा आएगा, अगर वो भी कारगर होगा तो रहेगा, नहीं तो उसको भी निकाल फेंका जाएगा, यही होता है। लेकिन इस्तेमाल तो कहीं ना कहीं करने के लिए एक विश्वास तो करना पड़ेगा किसी न किसी चेहरे पे। आप जब कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इसका मतलब है कि जीवन यादव सिवान को विकसित विकासशील नहीं देखना चाहते हैं। सिवान को विकसित विकासशील देखने के लिए तो बोल रहे हैं कि हमारा माने सहयोग रहेगा, हमारे विचारधारा कोई अगर कैंडिडेट आता है तो मैं जरूर उसके साथ कदम से कदम लड़िएगा, विचारधारा पे लड़िएगा, विचार हम लड़े या कोई लड़े, चुनाव नया चेहरा चाहिए। यानी कि आप केवल किंग मेकर बनकर रहना चाहते हैं? नहीं, किंग मेकर नहीं, ये तो गलत शब्द है, किंग मेकर चार महीना समय, किंग मेकर पाल ठाकरे साहब थे जो, ऐसा तो नहीं कि जीवन यादव कुछ परिस्थिति को भांप रहे हैं और उस परिस्थिति के बाद आप सब कुछ खुल करके ये बोलेंगे कि हाँ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो परिस्थिति को अभी आप भांप रहे, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ये अभी आपका सवाल सही, वो वक्त बताएगा। ऐसे थोड़े, कौन सी परिस्थिति आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कोई ऐसा चेहरा है जिसके साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चुनाव लड़ने का, कौन सी परिस्थिति को आप भांपना चाह रहे हैं?
आकलन क्या कर रहे हैं आखिर, उसके बाद आप शायद हो सकता है कि नाम का खुलासा कर, अपनी ऐलान का खुलासा करें। जनता की चाह बस देखा जा रहा है कि जनता किसको चाह रही है, जनता जिसको चाहेगा। बार बार हम लोग कह रहे हैं आपके अंदर इतना कंफ्यूजन क्यों बना हुआ है अभी जनता का। देखिए चुनाव 15 दिन पहले क्लियर होता है, जनता की जो चाह होगी हम जनता के साथ हैं और हमेशा रहे हैं। लोग देखिए, लोग कहते हैं कि आप देखिए, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल, लोग आएंगे मीडिया में, सब लोग बोलता है कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन हम कभी नहीं बोलते कि हम ये करेंगे। हमने एक स्लोगन दिया था गोरखपुर बनाने का, जिसमें हम लगे हुए हैं, अगर वो पूरा हो जाता है तो शायद हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मीडिया में फिर दोबारा आके कि हम गोरखपुर बना पाए कि नहीं बना पाए। अगर उसमें हम सफलता पाते हैं तो जाहिर सी बात है जनता हमको और आगे भेजेगी। सवाल, जीवन यादव गोल गोल घुमा रहे हैं 15-20 मिनट से चुनावी मुद्दे को लेकर के, और गांव गांव में इनका पोस्टर लगा हुआ है, ये क्या समझा जाए? मेरा पोस्टर गांव गांव में कहां लगा हुआ, हम तो हर पोल हर चौक चौराहा पे जीवन यादव नजर आ जाएंगे। और इसका कारण है कि अब सिवान की जनता के साथ है, और हर जैसे भी कोई मेरा पर्व वहाँ पर्व आता है तो हम लोग पोस्टर लगाते हैं, भाई जनता के लिए हम लोग शुभकामना देते हैं। 3-4 महीने और समय रह गया है सिवान का नेतृत्व करना है। सिवान का नेतृत्व करने वाला वही आएगा अब, जिसका नेतृत्व के अंदर में सिवान का तरक्की हो, सिवान का विकास हो, सिवान के हित में हो, ना कि वो भी जीतने के बाद 4-5 साल दिल्ली ही। जीवन जी, जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं एनडीए इंडिया, उसके बावजूद क्या लग रहा है कि इस बार सिवान के लोग निर्दलीय पे भरोसा कर सकते हैं? देखिए, सिवान की धरती तो निर्दलीय की है, ये है, जो भी आया है निर्दलीय से आता है फिर पार्टी द्वारा आता है, तो सिवान की धरती निर्दलीय की है, तो कोई नया चेहरा अगर आता है और सिवान की सोच को लेके आता है तो जनता विश्वास करेगी भी और वोट भी देंगी और जिताने का काम। निर्दलीय आ सकते हैं? नहीं, हम देखिए, हम उतना बड़ा चुनाव, हमसे बहुत बड़े बड़े समाज सेवी, हमसे बड़े बड़े लीडर लोग बैठे हुए हैं सिवान में, जो मेरी विचारधारा का होगा हम उसके साथ जरूर रहेंगे। चलिए जीवन यादव जी, अंतिम सवाल, आपने एक जीवन यादव जनसेवा फाउंडेशन बनाया है, क्या कुछ स्थिति है आपके इस फाउंडेशन की? आपने 1 रुपया का मदद भी लोगों से कहा था, क्या कुछ चल रहा है? मेरा संस्था चल रहा है, 1 रुपया लोग मदद करते हैं, हम कहें 1 रुपया लोग ज्यादा मदद कर देते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम एक एक आदमी से जुड़े, सिर्फ 1 रुपया ही लेके एक आदमी से जुड़े, और हम सिर्फ सिवान नहीं, इस समय हमारा अनदर मैंने दूसरे राज्यों से भी लोग जुड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे बीपीएससी के जितने भी परीक्षार्थी आए थे 5,000 की संख्या में थे, वो सब लोग मेरे संस्था जुड़ा, जाहिर सी बात है एक आदमी जुड़ा था तो वो लोग 10 लोग को जुड़े हैं। इस हिसाब से मेरी संस्था 1 रुपया से ही शुरुआत हुआ है, आने वाला समय में ये बहुत बड़ी संस्था बन के आएगी, और ये संस्था बन के नहीं आएगी, ये संस्था के अंतर्गत काम भी होगा जिसके चलते संस्था का नाम होगा। जीवन जी, अगर शहर का विकास हो रहा है तो आप अपने पॉकेट से नहीं कर रहे हैं, वो नगर आवास का, नगर परिषद का वो पैसा है, ये बताइए कि आपने कुछ वादा किया था कि कुछ ऐसे बड़े काम हम करेंगे, शादी करेंगे, सामूहिक विवाह करेंगे, कुछ और भी बहुत सारी प्लानिंग थी, लेकिन वो अभी दिखाई नहीं दे रहा। देखो, हम जो सामूहिक विवाह के लिए बोले थे तो हम रिकॉर्ड वाला बनाना चाहते हैं, जैसे हमने कहा था कि एक गुजरात का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो 151 लड़कियों की शादी एक बार में किए थे, हमारा सपना था 251 लड़कियों की शादी करने के लिए, लेकिन हम कोई कुबेर के खजाना, तो हमारे पिताजी तो बहुत अमीर थे नहीं, और हम कोई बड़े बिजनेसमैन है नहीं, हम वो ख्वाब लेके आए हैं, उस ख्वाब को पूरा करेंगे, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जैसे ही हमारा बजट तैयार होगा हम ये कार्य को जरूर करेंगे, क्योंकि ये कार्य मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं, ये अपना सपना है मेरा कि मैं 251 अपनी बहनों का शादी एक साथ एक मंडप में वहां करूं और लोगों के बीच एक मैसेज पैदा करूं कि सिर्फ पैसे वाले लोग ही कुछ नहीं कर सकते हैं, एक गरीब आदमी, एक मैं बहुत छोटा सा बिजनेसमैन हूं, छोटा सा, लेकिन मैं एक सोच लेकर आया हूं, उसी तरह सब लोग अगर इस सोच को लेकर आएंगे और एकजुटता के साथ आएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो लड़की गरीब घर की लड़कियां होती है जिनकी शादी किसी मजबूरी के कारण, पैसे नहीं होने के कारण, दहेज के कारण नहीं हो पाता है, उन लड़कियों की शादी हो और ये सोच हमारे जिला से निकल के हमारे राज्य तक जाए, जो गुजरात जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में पैसे वाले लोग करते हैं, हमारे बिहार में भी लोग करें, अब बड़े स्तर पे करें, बड़े पैमाने पे करें, ये मेरा सपना है, इसे मैं मरने से पहले पूरा जरूर करूंगा, ये वादा तो मैंने कभी नहीं किया कि कल करूंगा, क्योंकि बड़ा बजट का काम है, जिस दिन मेरा बजट तैयार होगा मैं सपना अपना पूरा करूंगा। छोटा बिजनेसमैन आप अपने आप को बता रहे हैं, बड़े लोगों की हवा खराब करके रखे हुए हैं, क्योंकि हम अपनी 80% कमाई तो डोनेट कर देते हैं, रहते हैं करकट के घर में, अब हमारा कोई बड़ी ना हम बड़ा गाड़ी रखते हैं ना कोई बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, करकट के घर में रहते हैं, किस दिन फोटो खींच के ला के आप लोगों को दिखा दे देंगे, नहीं तो अगर मेरे नाम पे इतनी भी संपत्ति नहीं है, कल मेरा अगर बिजनेस बंद हो जाए तो मैं गाड़ी में तेल भरवा सकूं। लोगों को एक गलत मैसेज चला गया है कि बहुत धन है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है, हम जितना कमाते हैं डोनेट कर देते हैं, इसीलिए दिखता है मेरा,
और लोग पैसा कमाते हैं तो अपने परिवार को देते हैं, बिल्डिंगें बनवाते हैं, बड़ी सारी गाड़ियां खरीदते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं, सोना जवरात खरीदते हैं, अरे बहुत सारे दूसरे राज्यों में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बिल्डिंगें खरीदते हैं, अपार्टमेंट खरीदते हैं, जो मेरे नाम पे एक इंच भी नहीं है, जो कमा देते हैं वो डोनेट कर देते हैं। सो यही एक मेरा दिखता है, और कुछ नहीं है मेरे पास। नगर परिषद चुनाव में आपने वादा किया था कि एक साल के अंदर ऐसा व्यवस्था करेंगे जाइए तो क्या खाना मिलेगा। देखिए उसमें भी लगे हुए हैं लोग, नगर परिषद डिस्टर्ब चल रहा है, अब उसको सुधार लाए हैं, मुंह पे आ गया है, थोड़ा वक्त और लगेगा, नगर परिषद एकदम सुचारू रूप से चलेगा और विकास दिखने लगेगा। जनता का सवाल जो था मुझसे कि क्या आपने किया, वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग लग के ये प्रयास है कि एक रुपये में सिवान में कोई ऐसी संस्था बनाया जाए अपनी संस्था से कि एक रुपये में भरपेट